नमस्कार दोस्तों, कई बार हमें हमारा सेविंग अकाउंट सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारी नौकरी किसी गवर्नमेंट विभाग में या बड़े कॉरपोरेट में लग जाती है तो उसकी एप्लीकेशन बैंक में किस तरीके से देनी है, वो किस तरीके से भर के देनी है, वो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आइए हम वीडियो देखते हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी आप सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आपके सामने सिंपल कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म है। इसमें हम हमारे जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसको कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज में चेंज कराने की रिक्वेस्ट हमें ब्रांच में देनी है। आज है 21 नवंबर 2022। मैं कस्टमर का नाम है महेश गुप्ता। कस्टमर का मोबाइल नंबर है 823 ……। यहाँ पर कस्टमर का अकाउंट नंबर जो कि 11 डिजिट का होता है वो आपको यहाँ डाल देना है। अब यहाँ पर ब्रांच का नाम आपको डाल देना है। ब्रांच का नाम जैसे मैं शिवगंज डाल देता हूँ। अब इसके बाद आप सीधा 8 नंबर ऑप्शन पे आ जाइए, चेंज कस्टमर टाइप टू। यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज सेलेक्ट कर लूँगा। चूँकि मैं डिफेंस में काम करता हूँ तो मैं यहाँ पर डिफेंस लिख दूँगा, डिफेंस कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज। यहाँ पर मैं मेरे साइन कर दूँगा। साइन करने के बाद मुझे इसके साथ मेरे आधार कार्ड की कॉपी लगानी है और मेरा जो कंपनी का जो अपॉइंटमेंट लेटर है, आईडी कार्ड है, उसकी कॉपी लगा देनी है और ये मुझे ब्रांच के अंदर सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।